गाइज, आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो गई है। 2019 में आई ड्रीम गर्ल में वे फोन पर लड़की की आवाज निकालकर मर्दों को रिझाने में कामयाब रहती। ऐसे में फोन तक लड़की बनना तो ठीक था, मगर ड्रीम गर्ल 2 में वे साक्षात पूजा का रूप धरकर एक बार फिर मंचलों को अपने जाल में फंसाते नजर आए हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में उतना जचता नहीं है, मगर पर्दे पर आयुष्मान उसे जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से उसको निभा रहे हैं, उससे वह महफिल लूटने में कामयाब रहते हैं। राम राम, मैं अनमोल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मूवी की कहानी की बात करें तो कहानी शुरू होती है करम से, जो पार्ट 1 में रामलीलाओं में एक्टिंग किया करते थे, मगर अब वह माता के जगराते गाता है। वह और उसका पिता जगजीत, जिसका रोल अनु कपूर कर रहे हैं, अभी भी कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं, मगर परी के पीछे करम उसके प्यार में डूबा हुआ है। इस प्यार के बीच का विलन है परी का पिता जयपाल, जिसकी शर्त है कि जब तक करम बैंक बैलेंस के रूप में 25 लाख, अपना घर और एक पक्की नौकरी नहीं ढूंढ लेता, तब तक वह परी से शादी नहीं कर सकता। करम का दोस्त इस्माइली और उसका पिता जगजीत उसे सोना भाई के डांसिंग बार में लड़की बनकर पैसा कमाने की तरकीब आजमाने के लिए राजी करते हैं, और इसके लिए करम तैयार हो जाता है, मगर पैसों की जरूरत खत्म नहीं होती और करम को पूजा बनकर अबू सलीम के बेटे सारू संग शादी तक करनी पड़ जाती। अबू सलीम के घर में उसका सौतेला बेटा सौकिया, जो शाहरुख का सौतेला भाई है, वो भी पूजा के प्यार में पड़ जाता है। तो अबू सलीम की रंगीन मिजाज बहन जुमानी करम से शादी करना चाहती है, जबकि जुमानी पहले से शादीशुदा है, वो भी सोना भाई से, मगर सोना भाई तो अपने डांस बार में काम करने वाली पूजा पर लट्टू हो चुका है। इन किरदारों में पूजा और करम को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है कि कौन किससे प्यार करता है, ये आप भी भूल जाओगे। अगर आप मूवी कॉमेडी के लिए देखेंगे तो बढ़िया रहेगा, वरना स्टोरी समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब करम पूजा की सच्चाई को कब तक छिपा पाता है, क्या वह पैसों को जुगाड़ कर परी से शादी करने में कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म तो देखनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं करम का पूजा बनकर चार चार मर्दों को रिझाना थोड़ा सा अलग लगता है, मगर कॉमेडी और एंटरटेनमेंट की सिचुएशन में आप लॉजिक पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। फिल्म में अनु कपूर, असरानी, परेश रावल, विजय राज, सीमा पाहवा, राजपाल यादव जैसे कॉमेडी के दिग्गजों की भरमार है, जिनके सहारे राज सांडिले मजेदार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मगर कई जगहों पर ऐसा लग रहा है कि कहानी में उतार चढ़ाव काफी है, क्लाइमेक्स भी थोड़ा लंबा नजर आता है। संगीत की बात की जाए तो मीट ब्रदर्स का दिल का टेलीफोन 2.0 गाना बहुत ही मस्त लगता है, मगर बाकी के गाना उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं। वैसे मूवी एक नंबर है कॉमेडी के लिए, अगर आप मूवी देखेंगे तो मजा तो बहुत ही ज्यादा आने वाला है। मिलते हैं किसी दूसरी मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए राम राम।